फ्रेंड्स हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ये सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक, इसके जो कॉजेस हैं, सिम्टम्स हैं, तथा इसके बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, तथा इसके पूर्वानुमान आपको लक्षण क्या देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी को हो ही जाए बीमारी तो तत्काल क्या करना चाहिए, तथा उनका डाइट प्लान क्या कैसा रहना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जिन लोगों को ये लगता है कि बीमारी हमको ना हो या किस समस्या से हम अपने आप को बचा सकें, उनको क्या लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए, क्या उनका डाइट प्लान होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। देखिए फ्रेंड्स आप एक चीज़ को आप समझ सकते हैं कि बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, और हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है कि निश्चित तौर पे किसी को भी कभी हो सकती है। लेकिन अगर हम आप अपनी लाइफ स्टाइल, खान पान को सही रखें, अपनी दिनचर्या को हम सही रखें, तो हद तक हम आप बच सकते हैं कि बचा जा सकता है। हाँ, हमारे हाथ में जो है वही हम आप कर सकते हैं। अचानक किसी को हो जाए तो उसको तो ऐसा आप कह सकते हैं कि इन्होंने अच्छी लाइफ स्टाइल रखा, सब कुछ रखा, फिर भी इनको हार्ट अटैक क्यों हो गया, ये बात भी सही है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपके हाथ में, हमारे हाथ में एक ही चीज है कि हम अपने आप को उन कारण से बचा सकें जिसमें मैक्सिमम हार्ट अटैक के कारण रहे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हार्ट अटैक का रेशियो है पूरी दुनिया में सबसे शीर्ष पे है, यानी कि जितनी बीमारियां हैं, जितनी वजह मृत्यु दर के जो भी वजह हो सकती है, उसमें से इसका जो रेशियो है वो सबसे शीर्ष पे है। यानी कि पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष जो हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु होती है वो लगभग 17.65 यानी कि 17.65 मिलियन प्रतिवर्ष, ये पूरे विश्व का सर्वे है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरे स्थान पे आता है कैंसर आता है फ्रेंड्स, जिसमें से 8.93 मिलियन प्रतिवर्ष मृत्यु होती है कैंसर से। इसी तरीके से RTI 3.54 यानी कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से जो लोगों की मृत्यु होती है वो लगभग 3.54 मिलियन है। इसी तरीके से कई बीमारियां हैं उसका एक रेशियो है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको जानकारी हो जाएगी किस बीमारी से प्रतिवर्ष किस पूरी दुनिया में कितने लोगों की मृत्यु एक एवरेज हो रही है। फ्रेंड्स आगे हम बात करना चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया में आज हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो रही है वो लगभग 50% मृत्यु ऐसे लोगों की हो रही है जिनकी उम्र 50 साल से कम की है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 25% मृत्यु हार्ट अटैक से ऐसे लोगों की हो रही है जिनकी उम्र लगभग 40 साल से कम की है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आधे एज के लोगों की मृत्यु दर हार्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी मृत्यु दर है, यानी कि जितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, उसमें से 60% इंडियन है। आप सोच, यानी कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का रेशियो है। यानी कि प्रतिदिन का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो लगभग 9 से 10 हज़ार लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको हम बताना चाहते हैं कि आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में करीब अभी तक का जो सर्वे है, यानी कि आज जो तारीख है फ्रेंड्स वो है 10 जनवरी 2021, लगभग 1.5 से 1.25 लाख के आसपास हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से जो मेडिकल का सर्वे आया है। जबकि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि किसी न किसी और भी बीमारियों की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन जांच में अगर कोरोना का पॉजिटिव आया तो निश्चित तौर पर उसको कोरोना ही मान लिया गया। यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं कि 9 महीने से 10 महीने में करीब 1.5 लाख से 1.25 लाख के आसपास जो मृत्यु हुई है वो कोरोना से, ऐसा रिपोर्ट है। लेकिन फ्रेंड्स इसी 9 से 10 महीने में, यानी कि लॉकडाउन से अभी तक का अगर रेशियो निकाला जाए तो लगभग 20 से 22 लाख लोगों की जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। इसी तरीके से बहुत सारी और बीमारियां हैं जिनकी वजह से मृत्यु दर हुई है। अब फ्रेंड्स यहां पे आप खुद एक चीज सोच सकते हैं कि कोरोना से लगभग 1.5 लाख के आसपास लोगों की मृत्यु हुई और हार्ट अटैक से 22 लाख लोगों के आसपास मृत्यु हुई, तो अब इसमें महामारी क्या है, किस चीज़ से हमको आपको बचने की जरूरत है। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मृत्यु दर पूरे सर्वे में, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, लगभग जैसा कि अपन ने बताया 17.65 मिलियन प्रतिवर्ष हार्ट अटैक से, इसको शायद मृत्यु महामारी का दर्जा नहीं दिया गया फ्रेंड्स। जबकि आज हमारे जो गवर्नमेंट है या कि जो WHO है, जो भी इससे जुड़ी हुई बॉडी हैं, उनको चाहिए कि लोगों को ऐसी बीमारियों से बचाएं जो कि आज मतलब देखते देखते अचानक किसी को काल के गाल में समा देती हैं। ऐसी बीमारियों से बचाना चाहिए और उसके प्रति लोगों को अवेयर करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। चलिए हम लोग अपने पॉइंट में बात करते हैं। फ्रेंड्स अभी आपने देखा होगा कि
कपिल देव जी जिनकी उम्र लगभग 61 साल है उनको भी हार्ट अटैक आया, जो कि भारत के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और पहला विश्व कप उन्हें नहीं लाया था, आपको भी पता ही है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से सौरव गांगुली जी जिनकी उम्र लगभग 48 साल है फ्रेंड्स, उनको भी अभी हार्ट अटैक आया। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि रेमो डिसूजा जी जो कि डांसर हैं उनकी लगभग उम्र 46 साल है, उनको भी हार्ट अटैक आया। तो जबकि ये लोग बढ़िया अच्छा खान पान रखते हैं और अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, तो इनको क्यों आ रहा है फ्रेंड्स? यानी कि कभी भी किसी को भी बीमारी हो सकती है, लेकिन हम नीचे इसके कारण भी बताएंगे फ्रेंड्स, इसका कारण इन लोगों के क्यों आया। क्योंकि फ्रेंड्स जो मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट, लेकिन जो एक अनुमान अपन लगा सकते हैं कि इन लोगों का डाइट प्लान तो ठीक है, इनको आवश्यक सभी पोषक तत्व मिलता है, ये प्रॉपर एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि शायद ये लोग कच्ची चीजें कम से कम खा पाते हैं फ्रेंड्स। यानी कि इनके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर पहुंच पाती है। यानी कि अगर कहा जाए कि जो लोग कच्चा डाइट लेते हैं, यानी कि सुबह तक फल लेते हैं 11 बजे दिन तक, रसोई का बना कुछ भी नहीं लेते, उसके बाद कच्ची सलाद दोपहर और शाम को लेते हैं, शाम को जल्दी भोजन 7 के पहले अगर कर लेते हैं, तो एक ऐसा उम्मीद किया जा सकता है उनको ये बीमारी नहीं आ सकती। अब ये लोग काफी हाई प्रोफाइल के लोग हैं, तो निश्चित तौर पे इन लोगों के खान पान में बिल्कुल ऐसी ही चीजें, फैक्ट्री युक्त निर्मित चीजें या रसोई घर में बनी चीजें ये खाते रहे होंगे। तो ठीक है, कुछ भी रहा हो फ्रेंड्स, लेकिन किसी को भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमें भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, जो भी अच्छे से अच्छा डाइट प्लान रखते हैं उनको भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अपन क्या ऐसा करें कि अपन इससे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्ट अटैक है क्या। फ्रेंड्स ये इसका जो हार्ट अटैक है, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा हृदय है, हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड वेसल्स यानी कि जो रक्त को ले जाने वाली जो सिराएं होती हैं, धमनियां होती हैं, वो फैली हुई हैं, और निश्चित तौर पे हृदय तक ले जाने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें अगर कहीं भी ब्लॉकेज हो जाता है तो हमारे हृदय तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से लोगों को हार्ट अटैक देखने को मिलता है। अब इसमें से लक्षण क्या देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स? सिकोड़ने वाला दर्द, आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड में बिल्कुल ऐसे पेशेंट पकड़ लेगा, बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ, और बहुत ज़्यादा उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, वो सांस भी नहीं ले पाता फ्रेंड्स, उसको पसीना पसीना हो जाता है और बिल्कुल चेहरा उसका लाल पीला हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता और धीरे धीरे वो फिर अनकॉन्शियस हो जाता है और डेथ की तरफ भी जा सकता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके जो कारण है, कारण क्या हो सकते हैं जो एक कॉमन रूप से देखने को मिला। 1-2% ऐसा भी चीजें हो सकती है फ्रेंड्स जो कि आप कारण ही ना हो फिर भी हार्ट अटैक हो गया हो, तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन जो मैक्सिमम होता है फ्रेंड्स उसमें ऐसा देखा गया है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी कि लिपिड्स प्रोफाइल पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गई हो, ब्लड का जो एक लेवल है, जो फ्लड लेवल है वो ना रहा हो, यानी कहने का मतलब कि उसमें से कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफैट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें से जो धमनियां होती हैं उसमें से क्लॉटिंग हो जाती है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर ये लक्षण देखने को आपको मिलते हैं फ्रेंड्स। कई बार तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखा होगा यानी सेडेंट्री लग्जेरियस लाइफ जीते हैं, जिनका कि बिल्कुल खान पान तो ऐसा चाहे को दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लेकिन शारीरिक बिल्कुल एक्सरसाइज वो नहीं करते हैं, उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, वो ठंड के सीजन में बिल्कुल अपने कमरे को गर्म बना लेते हैं, गर्म के सीजन में ठंड बना लेते हैं, इस तरीके से वो अपने आप को प्रकृति से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, उनके शरीर में निश्चित तौर पर ये ट्रांसफाइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, पसीना उनका बिल्कुल निकल नहीं पाता, वो सिर्फ बैठे रहते हैं, यानी कि एक प्रकार का आप समझ सकते हैं बिल्कुल लग्जरियस लाइफ जीते हैं, ऐसे लोगों में बीमारी ज्यादातर देखने को मिलती है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लंबे समय से ब्लड प्रेशर की, चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, का लंबे समय से बीमारी रही हो और लंबे समय से उसकी मेडिसिन भी खा रहे हो, तो भी ये लक्षण कई बार देखने को आपको मिलता है, कई बार मेडिसिनल एग्रावेशन की वजह से भी आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, इंसोमिया अनिद्रा यानी कि उनको प्रॉपर नींद नहीं आती, किसी न किसी वजह से वो जागते रहते हैं, सो नहीं पाते, ऐसे पेशेंट में भी कई बार ये देखने को मिलता है, स्ट्रेस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स जो हमने सबसे ज़्यादा देखा है कि जो प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, यानी कि 24 घंटा में आप अपने स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज के लिए अगर 1-2 घंटे का भी टाइम हम नहीं निकालते तो इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग कभी भी, क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति ने हमको बनाई है और यानी कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, तो हम लोग एनिमल्स से हम लोग प्लांट से बनी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, खाते हैं और वो चीज़ें हमें आपको फिट रखती हैं। आपने खुद सोचिए कि ऐसे आपने बहुत कम लोग देखे होंगे, या हो सकता है उसमें से आपका भी नंबर हो, कि आप कच्ची चीज़ें ना के बराबर खा पाते हों या कि बिल्कुल खा ही नहीं रहे हों। तो फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि अगर
ऐसे सिम्टम्स किसी को देखने को मिले और किसी भी समस्याएं आए फ्रेंड्स, उसके पहले ही अगर आप 11 बजे दिन तक कच्ची चीज़ें खाना शुरू करें तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। कच्ची चीज़ें यानी कि फल खा सकते हैं, कच्ची सलाद खा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति से बनी चीज़ें डायरेक्ट हमको लेनी चाहिए, लेकिन आज बढ़ती हुई सभ्यता में हम हर चीज़ को उबाल के पका के या फ्राई करके खाते हैं तो निश्चित तौर पर ये तकलीफ बढ़ जाती है। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे कि कई बार हमारी जो शरीर है वो आपको पूर्वानुमान या लक्षण भी देना शुरू कर देती है, जिससे कि आपको दिखाई देता हो लक्षण, अगर आप चाहें तो उसी समय से अपने आप को हम आप बचा सकते हैं, नहीं तो निश्चित तौर पर हार्ट अटैक से फिर कोई रोक नहीं सकता। जैसे फ्रेंड्स अक्सर आप देखेंगे सीने में जलन होती है, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, कई बार एंजाइना का पेन नीचे से ऊपर की तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है, बाएं कई बार भुजा तक भी दर्द पहुंच जाता है। अगर ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो निश्चित तौर पर हमें अपने आप को सतर्क कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स इसके साथ साथ कई बार आप देखें कि पैरों के नीचे बिल्कुल स्वेलिंग आ जाती है, वाटर रिटेंशन आना शुरू हो जाता है, पैर पूरी तरीके से फूल जाते हैं, ऐसा अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो निश्चित तौर पर अपने आप को अलर्ट कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं किडनी या हार्ट की बीमारी हो सकती है, लीवर की बीमारी भी हो सकती है। फ्रेंड्स इसके साथ फ्रेंड्स लंबे समय तक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहा हो, उनको सांस लेने में समस्या रही हो, अस्थमेटिक रोगी रहे हो, ऐसे में भी आपको देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना, बार बार ब्लड प्रेशर का कम ज़्यादा होना, ऐसे कंडीशन में भी अपने आप को हमें अलर्ट कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर अचानक किसी को ये समस्या हो ही जाए तब अपने आप को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम अक्सर एक चीज कहते हैं कि लगभग 99% बीमारी का इलाज हमारे आपके रसोई घर में है, यानी कि हमारे आपके रसोई घर में जो भी मसाले सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं हमारे आपके लिए बहुत कॉमन है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं अगर किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक देखने को मिले तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को बचाया जा सके। लेकिन आपके घर से हॉस्पिटल की दूरी अगर ज़्यादा है या कि कम भी है तो भी आपको फर्स्ट एड के रूप में या तत्काल बचने के लिए कुछ ना कुछ आपको तो करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यूज करना है, तत्काल यूज करना है कैप्सिकम एनम CAPSICUM AWWM। फ्रेंड्स इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, ये मिर्च है जिसको अपन लाल मिर्च कहते हैं। फ्रेंड्स लाल मिर्च, हरी मिर्च या सूखी मिर्च कुछ भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो पेशेंट को अगर ऐसे लक्षण देखने को मिले, सीने में दर्द, जलन, सांस लेने तकलीफ, पसीना पसीना हो जाना, बोलना पाना, ऐसे लक्षण देखने को मिले तो आप उसको तत्काल मिर्च चबाने के लिए दे दीजिए। चबाता रहे और उसका जो सलाइवा बने उसको पेट में फटाफट अंदर करता रहे, लेकिन मुँह में वो चबाता रहे, उसको एकदम से अंदर नहीं कर लेना, चबा के जो भी उसका सलाइवा बने उसको अंदर करते जाना है। आप देखेंगे 60 सेकंड के अंदर अंदर लगभग 98% से 99% हम उम्मीद करते हैं कि तत्काल पेशेंट को आराम हो जाता है, उसको रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद आप तत्काल उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन आप इसको जरूर देते हैं, यानी कि लाल मिर्च आप तत्काल दीजिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा। कारण क्या है फ्रेंड्स कि इसके अंदर पाई जाने वाली जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, फ्रेंड्स लाल मिर्च को कॉमन नेम भी इसका है, इसको रेड चिली भी आप कह सकते हैं या चिली भी कह सकते हैं या कि रेड पेपर भी कह सकते हैं आप। फ्रेंड्स इसके अंदर जो पाई जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज वो कैप्साइसिन कहते हैं, CAPSAICIN। फ्रेंड्स कैप्साइसिन जो होती है इसकी जो विशेषता होती है वो धमनियों के बीच में जहाँ भी क्लॉटिंग हो गई है या कि वहाँ पे लेयर मोटी पड़ गई है उसको तत्काल ये पिघला देती है, जिससे कि ब्लड और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक और हार्ट तक पहुँचना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, इसका बहुत अच्छा फंक्शन है, यानी कि तत्काल ये क्या कर देती है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देती है, जहाँ भी क्लॉटिंग है उसको तत्काल डिजॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो रेमेडी है इसके लिए हम नहीं कह रहे कि ये मेरा कोई बनाया हुआ है, इसके लिए फ्रेंड्स हार्ट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर बिमल छज्जर जी हैं, आप सब जानते हैं इनके बारे में कि ये हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं, एम्स में भी ये लंबे समय तक हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसके लिए एडवाइजर रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बताते थे कि आप कैसे अपने हृदय संबंधी बीमारियों से बच सकते हैं। तो अब ये शायद रिटायर हो चुके हैं फ्रेंड्स। आगे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सर जो कि MD हैं, PhD हैं डायबिटीज से, उन्होंने भी इस रेमेडी के बारे में उन्होंने बात किया है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो हमारी चिकित्सा पद्धति यानी कि EH रेमेडी के माध्यम से, प्लांट किंगडम रेमेडी के माध्यम से आप अपने आप को कैसे ठीक करें, ये भी प्लांट किंगडम ही रेमेडी है फ्रेंड्स, लाल मिर्च ही। लेकिन जो अपन लोग स्पेशली जो हमारी चिकित्सा में वर्णन जो दिया जाता है फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले अगर EH रेमेडी है आपके पास तो BE और L2 यानी कि ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और लिम्फेटिको 2 इन दोनों को 5-5 मिनट के अंतर में पेशेंट को आप 4-5 बार दे दीजिए तो ऐसा सिम्टम्स तत्काल ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके D3 डाइल्यूशन को लीजिए, डायरेक्ट उसको दे सकते हैं कि थोड़ा सा डायल्यूट करके भी आप दे सकते हैं, जैसा कंडीशन उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स इसके साथ फ्रेंड्स 3
लेकिन रेमेडी आप अलग से भी दे सकते हैं। ये तीनों रेमेडी यश रेमेडी बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है। इसमें से अर्निका मोंटाना हो गया फ्रेंड्स, एक और नाइट नैप हो गया और नक्स भूमिका हो गई फ्रेंड्स। तो अर्निका तब लेना है फ्रेंड्स जैसे आप पेशेंट का अगर आप हिस्ट्री जानते हैं, उसको लंबे समय से लेफ्ट साइड में दर्द रहा हो या कि उसके सीने में अक्सर दर्द रहा हो, एंजाइना का पैन उसको देखने को मिला हो, कोई लंबे समय से चोट हो उसके शरीर में, जो पुरानी चोट हो उसका दर्द कभी कभी उभरता है, अगर ऐसा कंडीशन है तो आप तत्काल अर्निका मोंटाना का मदर टिंचर 30 पोटेंसी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप पेशेंट को लगभग 10 मिनट के अंतर में 3 बार दे दीजिए, आप देखेंगे पेशेंट ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स अगली रेमेडी है एकोनाइट, जिसमें सांस की बीमारी रही हो, अक्सर उनको सर्दी जुकाम बुखार हो जाता हो और इस तरीके से उनको सांस लेने में लंबे समय से तकलीफ रही हो, ऐसे पेशेंट को आप एकोनाइट दे दीजिए। और एकोनाइट के बारे में राजीव दीक्षित जी ने भी बताया है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो इसका 200 CH आप दे सकते हैं, लगभग 5-10 मिनट के अंतर में 3 बार आप दे दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे नक्स भूमिका। नक्स भूमिका फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, इसको उन लोगों को देना है जिनकी लाइफ सेडेंटरी रही हो, जिनको लग्जरियस लाइफ रही हो, यानी कि अपने आप को बिल्कुल सुस्त बना के रखे हैं, खूब खाते हैं, खूब बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना तो ठंड सह पाते हैं ना तो गर्म सहते हैं, सिर्फ वो पड़े रहते हैं है ना, और शरीर काफ़ी भारी हो गई है, नान वेज अल्कोहल ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर ऐसा पेशेंट है तो आप उनको नक्स भूमिका तत्काल दे दीजिए, उनको भी आराम हो जाएगा। इसका भी चाहे मदर टिंचर, अगर ऐसा कंडीशन है तत्काल मदर टिंचर इफेक्टिव फ्रेंड्स 30 पोटेंसी 200 जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप दे सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास ये टाइम नहीं होता कि आप इनको सोचें बिचारे मार्केट से लाएं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो इन 3-4 प्रकार की चीज़ों में से आप तत्काल पेशेंट को दीजिए। हाँ ध्यान दें पर एक ही चीज़ देना है, चाहे आप लाल मिर्च दे सकते हैं यानी कि कैप्सिकम एनम दे सकते हैं जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है फ्रेंड्स कैप्साइसिन, तो ये इसको आप दे सकते हैं कि कोनाइट दे सकते हैं, कर्निका दे सकते हैं कि नक्स भूमिका दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो दे दीजिए। हाँ अगर ये सभी चीज़ अवेलेबल है तो जो सिम्टम्स हमने बताए उसके अकॉर्डिंग आप दीजिएगा। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास BE यानी कि ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमोपैथिक रेमेडी बहुत प्रभावी रेमेडी है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहा है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके लिए फिर आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट प्लान फ्रेंड्स एक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहे हैं, आप उस डाइट प्लान को जरूर देखिए, वो हर इंसान के लिए है चाहे बीमार हो या स्वस्थ हो, उस डाइट प्लान को हम खुद ही करते हैं फ्रेंड्स और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा महसूस होता है। बाकी फ्रेंड्स कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई गारंटी या दावा नहीं कर सकता कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, हाँ 1% संभावना रहती है कि कभी भी किसी को भी हो सकता है। फ्रेंड्स ये हमारा जो वीडियो है ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से है, बाकी अगर किसी को भी कैसी भी समस्या हो वो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एड के रूप में इन चीजों को आप जरूर करें। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।